सोशलिस्ट, ये दो सब नहीं थे। तो मैं ही उसके बाद राहुल जी से बात किया, राहुल जी को भी दिखाया, देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुकी है। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की उस समय की ये भावना है। क्यों करते हैं हम लोग अमेंडमेंट? करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं वो इसको दर्शाता है कि हाँ कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है। सब जोड़ दिए थे, कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं ही उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की उस समय की ये भावना है, 1950 ठीक है हो सकता, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं वो इसको दर्शाता है कि हाँ कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए अगर कोई देखे ना देखे, जाने अनजाने में कुछ पारित तो करो, लेकिन हमारे संविधान की जो हमारा प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी।